यू यू स्पीक अबाउट विकसित भारत इन 2047 सेवन इस विकसित भारत रोडमैप में uh, विशेष से तमिलनाडु के लिए क्या प्लान है पहली बात है कि विकसित भारत इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली विकसित हो जाए <laughs> भारत का हर कोना भारत का हर नागरिक वो विकसित भारत का हकदार होना चाहिए दूसरा भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है जब मैं गुजरात थे मेरा मंत्र था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास यही फिलोसॉफी लेकर के मैं वहाँ काम करता था और हम सबका सोचना यही होना चाहिए कि विकसित भारत बनाने के लिए हम विकसित राज्य बनाएंगे इसलिए पहली बात है विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु का संकल्प हर तमिलनाडु के नागरिक को लेना हर तमिलनाडु के नागरिक को देश की तरह ही इसमें जुटना होगा और मेरा मत है कि तमिलनाडु इतना ताकतवर है कि विकसित भारत का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स तमिलनाडु बन सकता है How do you say अब देखिए वहाँ कोई भी विषय लीजिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग आपको टैलेंटेड यूथ मिलेगा आप वहाँ मद्रास आईआईटी देखिए फाइव जी में बहुत बड़ा रोल मद्रास आई आई टी कर रहा और आज हमारा सिक्स जी का जो मिशन है और शायद हम दुनिया में पहले होंगे उसमें भी आई आई टी मद्रास बहुत बड़ा रोल कर रहा है मतलब कि टेक्नोलॉजी हो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री हो बहुत बड़ा कॉन्ट्री अब देखिए किसी ज़माने में तमिलनाडु का कोई डिस्ट्रिक्ट में नाम भूल गया कहते हैं कि दो सौ साल वहाँ जो चावल किसान पैदा करता था पर एकर जो चावल वो प्राप्त करता था आज भी दुनिया में कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया जो तमिलनाडु तो ने किया हुआ है तंजावुर डेल्टा यस yes. अब अब मुझे बताइए ये सामर्थ्य है इस सामर्थ्य को अनदेखा नहीं कर सकते तो विकसित भारत बनाना है तो ये फोर्सेस हैं जिनकी शक्ति से विकसित भारत बनेगा उस शक्ति को ज्यादा सामर्थ्यवान बनाना उस शक्ति को अवसर देना पूरे देश की ताकत उसके साथ जोड़ देना ये अब हम डिफेंस बना रहे हैं, मैं पक्का मानता बहुत बड़ा भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की बात है right. डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना है तो वो डिफेंस कॉरिडोर से बनने वाला है मेरे right. so, मन में साफ है <laughs>